एवरीबडी इरिस्पेक्टिव ऑफ कॉलेज में है, फाइनल ईयर में है, जॉब कर रहे हैं, कितने साल से जॉब कर रहे हैं, एवरीबडी इज कंसर्न अबाउट कि रिसेशन की वजह से क्या मुझे जॉब मिलेगी या क्या मेरी करंट जॉब पे कुछ इम्पैक्ट आएगा. एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड व्हाट डज दिस मीन, राइट? क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कब ठीक हो जाएगा, सब कुछ हमें समझ में आना चाहिए ताकि हम इस एंजाइटी को दिमाग से निकाल कर अपने स्किल्स पे, अपने काम पे फोकस कर पाए. हाय, दिस इज अंकुश एंड वेलकम टू कोडिंग निंजाज यूट्यूब चैनल. यार, रिसेंटली एक वीडियो में हमने बात की थी कि एआई एंड एआई में जो डेवलपमेंट हो रहा है उसका जॉब्स पे, स्पेसिफिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब्स पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है. तुमने नहीं देखी है वीडियो तो प्लीज जाके देखो. बट अलॉन्ग विद दैट, वन थिंग दैट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इज जो बहुत सारे बच्चों का कंसर्न होता है, एआई वाला एक कंसर्न होता है, साथ में एक दूसरा कंसर्न आजकल बहुत बच्चों को होता है, विच इज रिसेशन. एवरीबडी इरिस्पेक्टिव ऑफ कॉलेज में है, फाइनल ईयर में है, जॉब कर रहे हैं, कितने साल से जॉब कर रहे हैं, एवरीबडी इज कंसर्न अबाउट कि रिसेशन की वजह से क्या मुझे जॉब मिलेगी या क्या मेरी करंट जॉब पे कुछ इम्पैक्ट आएगा. एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड व्हाट डज दिस मीन, राइट? क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कब ठीक हो जाएगा, सब कुछ हमें समझ में आना चाहिए ताकि हम इस एंजाइटी को दिमाग से निकाल कर अपने स्किल्स पे, अपने काम पे फोकस कर पाए, राइट? तुमने न्यूज़ सुनी होगी, मेटा ने लेऑफ्स किए, राइट? अमेज़न ने लेऑफ्स किए थे. देन रिसेंटली वी हैव हर्ड अबाउट लाइक अ लॉट ऑफ इंडियन स्टार्टअप्स एज वेल. स्विगी ने लेऑफ्स किए हैं, आई थिंक कल्ट ने भी बहुत सारे लेऑफ्स किए हैं. सो दिस इज समथिंग दैट हैज़ हैपन्ड. बट इसका क्या मतलब है, राइट? क्यों हो रहा है एंड गोइंग फॉरवर्ड हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? सो लेट्स क्विकली टॉक अबाउट दैट, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक वट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज रिसेशन जनरली इसका मतलब क्या है. रिसेशन का मतलब जनरली ये होता है दैट ईजी एक्सेस टू कैश, ईजी एक्सेस टू मनी थोड़ा कम हो गया है. स्टार्टअप्स को फंडिंग नहीं मिल रही है उतनी आसानी से, बड़ी कंपनियों के शेयर प्राइस उतने फास्ट नहीं बढ़ रहे हैं. सो ओवरऑल जितना वो स्पेंड कर सकते हैं वो उतना स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं. दो साल पहले एकदम उल्टा था, बहुत कैश था, बहुत ईजिली फंडिंग मिल रही थी. तो तुमने देखा होगा डेवलपर सैलरीज, टेक सैलरीज क्रेजी तरीके से बढ़ रही थी. बट दैट टाइम हैज चेंज्ड एंड इन द लास्ट टू ईयर्स दैट फ्री कैश इज नॉट अवेलेबल एनीमोर. सो कंपनीज हैव टू टेक केयर ऑफ देयर एक्सपेंसेस एंड उनको थोड़ा सा एक्सपेंसेस को कम करने की जरूरत पड़ रही है. दिस इज बेसिकली द बेसिक रीजन बिहाइंड द न्यूज दैट यू आर हियरिंग और जो भी एक्शन कंपनीज ले रही हैं उसका बेसिक रीजन ये है. पहली चीज हमें समझनी पड़ेगी, नई चीज नहीं है. इकॉनमी ऐसे ही वर्क करती है, यू गेट एन अपसाइकिल, लंबे टाइम तक अपसाइकिल चलती है, फिर एक रिसेशन आता है, थोड़े टाइम तक रिसेशन चलता है, फिर हम वापस इकॉनमी ऊपर जाती है एंड फिर थोड़े लंबे टाइम तक ऊपर रहती है. दिस इज जनरली हाउ इकॉनमी वर्क्स. पहली बार नहीं हो रहा है. जब मैं ग्रेजुएट किया था कॉलेज से, दैट वॉज 2008, दैट वॉज वन ऑफ द वर्स्ट रिसेशंस दैट द वर्ल्ड हैज सीन. 2009 में जो लोग ग्रेजुएट हुए थे दे हैड एन हॉरेबल टाइम गेटिंग देयर फर्स्ट जॉब, राइट? सो पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी हुआ है. एंड वन गुड पार्ट फॉर ऑल ऑफ अस इज दैट जनरली तुम ट्रेंड देखोगे, जनरली अगर तुम किसी भी एक्सपर्ट से पूछोगे, वेरी लाइकली इन द नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स वी विल बी इन अ मच बेटर अपसाइकिल कंपेयर टू वेयर वी आर राइट नाउ, राइट? एंड वन थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज रिसेशन डज नॉट मीन जीरो जॉब्स. इट जस्ट मीन्स 20% लेस जॉब्स, 25% लेस जॉब्स, समथिंग लाइक दैट. सो दैट ऑल्सो मीन्स that we just need to work a little extra hard. If we do that, we will be able to get to a job. It's just jitna freely pehle ki acha software engineering ki hai, thoda bahut aata hai, chalo theek hai hire kar lete hain, wo nahi ho raha hai. We need to really be at the right place. We need to, in terms of our skills, we need to work extra hard and then jobs abhi bhi hai, enough hai. Hamari expectations hame theek se accordingly set karni. So let's quickly talk about what does it mean for people who are still about to graduate from college ya jo abhi third year mein hai. And then let's also talk about working professionals, unke upar kya impact hone wala hai iska. Dekho, pehli cheez, agar tum second year mein, third year mein, first year mein ho, I think tumhe tension nahi leni chahiye. As I said, very likely in next 6 to 12 months I think we'll be in a much better place and you guys will be fine, right? Third year mein agar abhi ho, there is a good one and a half year till you graduate. I think you'll be in a much better place by then and you'll be okay. Does not mean ki hame apni skills pe kaam nahi karna hai, wo to karna hi karna hai. Abhi recession catch nahi karoge, baad mein kabhi recession aayega tab
अगर हमारे पास स्किल्स नहीं होंगी तो हमें प्रॉब्लम होगी, राइट? सो हमें अपनी स्किल्स पे तो काम करना ही है. वन बंच, वन सेट ऑफ पीपल हु आर रियली वरिड, एंड आई वुड अग्री दैट दे शुड बी अ लिटिल वरिड, एंजाइटी अंडरस्टैंडेबल है, इज पीपल हु आर ग्रेजुएटिंग दिस ईयर 2024. थोड़ा प्रॉब्लम है ना, इस साल कैंपस में उतनी अच्छी जॉब्स नहीं लग रही हैं, कंपनीज उतना फ्रेशर्स हायरिंग नहीं कर रही हैं, तो क्या करें? आई थिंक हमें अपनी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी मैच करनी चाहिए अकॉर्डिंग. ये जो एक्सपेक्टेशन है ना कि कॉलेज से निकलेंगे, निकलते ही ऐसे अमेजिंग सी जॉब लग जाएगी, 15 लाख रुपए मिलेंगे, 25 लाख रुपए मिलेंगे, ये सब कुछ थोड़ा सा हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस को ठीक करना चाहिए. फॉर एग्जांपल, नोबडी लाइक एवरीबडी सेज कि अरे स्विगी ने इतने सारे लोगों को ले ऑफ कर दिया, बट स्विगी उतने ही सारे लोग, एक्चुअली उससे थोड़े ज़्यादा लोग हायर भी कर रही है. क्या कर रहे हैं? ज़्यादा सैलरी वाले, ज़्यादा एक्सपीरियंस लोगों को दे रिसेंटली हैड टू लेट गो, बट दे आर हायरिंग अ लॉट ऑफ फ्रेशर्स एट रिलेटिवली अ लिटिल लोअर सैलरी. That's a good opportunity for us. That's a great company. Salary थोड़ी सी कम होगी, काम अच्छा करने को मिलेगा, सीखने को अच्छा मिलेगा. So eventually, over the time in your career, you will do fine. So one thing that you need to do is set your expectations correctly. मैं honestly बता रहा हूँ, तुम्हारी पहली सैलरी क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. फर्क ये पड़ता है कि तुम्हारी इनिशियल काम में, पहली जॉब के अंदर सीखने को कितना मिलेगा, अच्छी कंपनी में जा रहे हो फ्रॉम अ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू और नॉट. That is going to decide your long-term career growth, long-term sort of earning potential as well. So, हमें अपनी expectations को थोड़ा सा ठीक करना चाहिए in terms of, please do not say, मैं तो 15 लाख से नीचे की जॉब पे जाऊंगा ही नहीं, मैं तो 12 लाख से नीचे की जॉब पे जाऊंगा ही नहीं. First of all, we need to work on our skills. Skills नहीं होंगी, randomly jobs अभी नहीं मिलेंगी, जैसे generally पहले हो जाता था, ठीक है? IT कंपनी आएगी, 100-150-200 लोगों को, 400 लोगों को ले जाएगी, कुछ आता है नहीं आता है, कुछ नहीं होता, ट्रेन कर देंगे बाद में. आई थिंक वो थोड़ा सा एक प्रॉब्लमेटिक एरिया होने वाला है. सो वहाँ पर हमें थोड़ा सा एक लेवल ऑफ स्किल पे तो पहुँचना पड़ेगा, वो एक्सपेक्टेशन हमें अभी नहीं रखनी चाहिए. सेकेंडली, हमने अच्छे से मेहनत की, हमारे पास स्किल्स हैं, डज नॉट मीन अवे हमें बहुत ज़्यादा हाई पेइंग जॉब्स की हमें एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए. वट वी नीड टू एक्सपेक्ट इज दैट वी नीड टू गेट टू अ गुड प्लेस, जहाँ पे हमें अच्छे से सीखने को मिले, जहाँ पे हम अच्छे से काम कर पा रहे हैं, एंड जैसे ही इकॉनमी थोड़ी सी इंप्रूव होगी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सैलरीज विल गेट टू द राइट प्लेस. दैट्स नॉट गोइंग टू बी प्रॉब्लम, राइट? फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर को टेंशन नहीं लेनी है अभी, अपने काम पर फोकस करो, अपस्किल करो, अच्छे से सीखो, अच्छे से सीखते रहोगे तो जॉब में इशू नहीं आएगा. फाइनल ईयर को भी मैं ये बोल रहा हूँ, एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी ठीक कर लो, यू विल बी ओके. एंड कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 महीने 4 महीने अगर एक्स्ट्रा लग जाएंगे जॉब ढूंढने में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. फाइनली हमारा करियर 30-35-40 साल का होने वाला है, उसमें 2-3 महीने इधर उधर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता. नाउ लेट्स टॉक अबाउट वर्किंग प्रोफेशनल्स, राइट? यू गाइज आर वर्किंग समवेयर. आई थिंक द फर्स्ट वरी दैट यू आर गोइंग टू हैव इज कि ले ऑफ ना हो जाए, एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी वैलिड वरी. इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रेसफुल सिचुएशन अगर ऐसा होता है तो. So what you need to ensure is that if you are working somewhere, you are putting in extra effort, right? करो यार extra effort. जितना effort कर सकते हैं उतना करते हैं, जितना ज़्यादा अच्छे सीख सकते हैं, जितना ज़्यादा contribute कर सकते हैं वो करना चाहिए हमें, right? That's something that you really need to work upon. Technology keeps changing, technology trends keep changing. जैसे मैंने वो AI वाली video में भी I was talking about how we need to learn these tools to be more productive. तुम अगर वो सब कुछ नहीं कर रहे हो, that's a big problem. You really need to focus on upskilling. You really need to focus on how do you sort of get to the next level so that agar kabhi layoffs bhi hote hain, so you are not part of that. And even if it happens, I am again telling you, it's a cycle. And honestly, if you ask me, recession is the best time to upskill. This is the best time to learn something new because most of the people are so worried that they are not focusing on upskilling. They are not they are like sirf negative energy ghum rahi hai, positive cheezon pe focus nahi kar rahe. And if you are now at this point, you are able to have a positive mindset and you are able to learn and you are able to upskill, I'm telling you, you will be far, far ahead of everybody else, because everybody else is just looking at news, just thinking about negative things, not thinking about positive things and not upskilling. That's why this is the best time for you to really get to the front of the line. I know itna aasan nahi hai positive mindset rakhna. Kyun aasan nahi hai? Because har cheez jo hum apne aas paas dekh rahe hain, jo hume sunne ko aati hai, wo negative hai. Uska simple sa reason hai. Right? Negative news spreads much much faster than positive news. Right? All the news that will really get newspapers views or news websites views is negative.
तो इसीलिए तुम्हें ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें देखने को मिलती हैं। मैंने तुम्हें भी बताया स्विगी इतने सारे लोगों को हायर भी कर रही है, ये तो नहीं आ रहा है न्यूज़ में, सिर्फ ये आ रहा है कि ले ऑफ्स हो रहे हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट ऑल दिस नेगेटिविटी, ये इतना नेगेटिव नहीं है, सब कुछ चीज़ें ओके हैं, ठीक है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। एंड मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर पहले 100 जॉब थी तो 80 अभी भी हैं, हमें उसी 20 का पार्ट क्यों बनना है? अगर हम अपस्किल करेंगे, अगर हम मेहनत करेंगे तो वी विल बी एब्सोल्युटली फाइन। एंड अगर अभी थोड़ा सा डिले भी आ जाएगा तो सिर्फ 3-4-5 महीने का डिले आ जाएगा, एज वी कीप अपस्किलिंग आवरसेल्फ वी विल गेट टू अ गुड प्लेस। एंड इफ वी आर एबल टू स्टे स्ट्रॉन्ग दिस टाइम, ड्यूरिंग दिस टाइम आई एम टेलिंग यू, यू विल बी एट अ मच बेटर प्लेस। पीपल हु सर्वाइव टफ पीरियड्स लाइक दीज जनरली बिकम सो स्ट्रॉन्ग दैट दे टेंड टू डू सो मच बेटर। जब इकोनॉमी बेटर होती है, जब चीज़ें बेटर होती हैं, तो वो एकदम अलग लेवल पे जाके अचीव कर पाते हैं, राइट? सो आई होप यू अंडरस्टैंड, रिसेशन इज नॉट न्यू, इट्स अ साइकिल, कम्स एंड गोज, कंपनीज आर स्टिल हायरिंग, जीरो नहीं हुआ है। अपस्किल करेंगे खुद को तो बहुत अच्छा कर पाएंगे। एंड बहुत जनरली सारे इंडिकेटर्स बोल रहे हैं कि 6 महीने में 12 महीने में वी शुड बी एट अ मच बेटर प्लेस। ये चीज़ें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अब किसी और कंट्री ने किसी और कंट्री पे वॉर कर दी तो हो सकता है भाई थोड़ा और टाइम लग जाए, क्या कर सकते हैं हम? क्या कर सकते हैं हम? ये कर सकते हैं कि हम अपस्किल करें, हम खुद पे फोकस करें, हम खुद को बेटर लेवल पे लेके जाएं। एंड एज यू कीप डूइंग दैट नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग अ जॉब। बहुत हायरिंग हो रही है अभी भी। अगर मैं कोडिंग निंजास की प्लेसमेंट सेल की भी बात करूं तो लास्ट मंथ वी वर एबल टू डू 50% मोर प्लेसमेंट्स कंपेयर टू द 3 मंथ्स बिफोर दैट, राइट? सो वहां पर भी हमें दिख रहा है कि चीजें इंप्रूव हो रही हैं। इन द एंड इट इज यू हु इज फाइटिंग अगेंस्ट यूर सेल्फ। खुद को बेटर करते रहो, खुद से एक लेवल अप करते रहो। आई एम टेलिंग यू, यू विल बी एब्सोल्युटली ओके। थैंक यू सो मच।